मोहतरम सामईन इकराम, ये कोई वहाबी गैर मुकल्लिद है और ये सऊदी अरबिया से कॉल कर रहा है। देखिए, इस तरह का लोग जो है ये बोलता है कि आप लोग आपस में लड़ा रहे हैं, आपस में तफरका फैला रहे हैं, मगर ये लोग मुनाफिक होता है और यही लोग ऐसा काम करता है, मगर इल्ज़ाम हम पर लगा देता है। आप इस ऑडियो में सुनेंगे किस तरह ये कॉल किया हमारे नूर हसन रजवी साहब के पास और ये बताने लगा कि जबिया जो है, जैसे हम लोग कहते हैं कि वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, जितने भी बद मजहब लोग हैं सभी का जबिया जो है हलाल नहीं है, हराम है, नहीं खाया जाए, मुसलमानों को हम लोग बताते हैं। तो इसको बुरा लगा क्योंकि ये हराम खाता है तो बुरा लगेगा ही। तो ये सऊदी अरबिया से कॉल किया और यही बदतमीजी स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये लोग कहते हैं ना कि छुपा हुआ होता है मुनाफिक, आप इस ऑडियो क्लिप के सुनेंगे। बस आप तमाम लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोग इस ऑडियो क्लिप के सुनिए और नंबर भी मैं इसका शो कर दूँगा और ये बाहर का नंबर है, आप इससे डायरेक्टली कॉल तो शायद नहीं लग सकता या लग भी सकता है, मुझे पता नहीं और मैंने ट्राई किया हूँ तो नहीं लगा है मुझे। तो नंबर हो सके तो मैं नंबर छोड़ देता हूँ, नंबर नहीं देता हूँ, मगर इस ऑडियो क्लिप को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला तमाम लोगों को सलामत रखे, हिफाजत रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हेलो, हेलो जी, कौन साहब? मैं अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान बरकाती भाई है? अब्दुल रहमान बरकाती साहब? नहीं, अब्दुल रहमान मलिक साहब। अब्दुल रहमान मलिक साहब किस मसलक के हैं? अरे यार, सदाम के है, मसलक को मालूम कर रहे हो आप, ये बताइए। मैं ये मालूम कर रहा था हजरत, ये तो पूछना जरूरी है भाई, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो बाहर का, विदेश का नंबर लग रहा है। हाँ हाँ, ये जो जी आपने बताया है कि ये हराम है, किसी का भी हवा देवबंदी हो या वो जिदी हराम है, तो ये आप मुसलमानों में तरक्के क्यों फैला रहे हैं कि जिदी हराम है? हराम क्यों फैला रहे हैं आप लोगों को? आप ये बताएं, आपका नाम क्या है और आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। और आप अदर कंट्री में हैं कहीं, बाहर विदेश का नंबर नजर आ रहा है, कौन सी जगह है? यस। तो ये जिदी जो आप हराम को तो खिला रहे हो, क्या मतलब है ये यार लोगों को? तुम भाई, पहले हमारी बात का सीधा सीधा आप जवाब दें जो मैं पूछ रहा हूँ, पहले वो बात फाइनल करें, उसके बाद इंशाल्लाह मैं ये बताऊंगा। तो मैं अहले हदीस हूँ, बोलिए। अच्छा, आप अहले हदीस हैं और बोलिए जो है, आप इस वक्त कहाँ हैं? अरे आप जो, मैं बता रहा हूँ, मैं बाहर हूँ। हाँ, आप फिर भी बाहर कहाँ हैं? दुबई हैं, कुवैत हैं, कतर हैं, ओमान हैं, कनाडा हैं, जर्मनी हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, मलेशिया हैं, अमेरिका हैं, सऊदी अरब हैं, कहाँ हैं? मैं सऊदी अरब में हूँ। सऊदी अरब में है ना? अच्छा, तो आप गैर मुकल्लिद हैं? नहीं, मैं तो ये मालूम कर रहा हूँ। मुकल्लिद हैं या गैर मुकल्लिद हैं? अरे हम गैर मुकल्लिद हैं या मुकल्लिद हैं, हम एक मुसलमान हैं, लेकिन मैं नहीं, गैर मुकल्लिद या देवबंदी, इनमें रहने वाले 85% लोग धोखे में हैं, अनजाने में हैं, बेखबरी में हैं, लाइने में हैं, और मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह। पहले आप मुझे ये बता दिए कि आप कौन से इमाम को मानते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद बात होगी। यार तुम पूरी उम्मत को हराम खिला रहे हो, आपके निकाह टूट, आपके बच्चे, वो तो आप कर रहे हो ना, वो तो आप खिला रहे हो, हम थोड़ी खिला रहे हैं, हम तो मना कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बचो हराम खाने से। हमारा कहना तो ये है कि आप हराम खाने से बचो। अरे और हराम तो तुम खिला रहे हो यार, उल्टा चोर को द्वार पे बैठे, बात भी नहीं करने आती कि बात हमें किस तरीके से करनी है। मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि आप पूरी कौम को, अपनी कौम को, जो उसके जो खबीस नालायक शैतान की जो औलाद है, काफिर तो नहीं कहूंगा, काफिर तो छोटा होता, जो आखिर की तो बख्शिश है, लेकिन शैतान की बख्शिश नहीं है, काफिर की बख्शिश है। एक मिनट,
कहाँ लिखा है काफिर की बख्शिशें चली, जवाब दीजिए मुल्ला जी। वो तो हो सकती है लेकिन कहाँ लिखा है कि काफिर की बख्शिश हो सकती है, चलिए साबित कीजिए, दलील पेश करें। वो अहमद रजब शैतान जो बदतमीजी, बिल्कुल नहीं, मैंने बदतमीजी नहीं की, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कहाँ लिखा है कि काफिर की बख्शिश हो सकती है, बस इतना बताइए। बदतमीजी बिल्कुल नहीं, मुझे मालूम है कि वहाबी देवबंदी हरामी बलदुज़्ज़िना ये बदतमीजी ही करते हैं, जवाब नहीं देते, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, मुझे मालूम है, मगर बदतमीजी मत कर, सीधा सीधा जवाब दे कि कहाँ लिखा है कि काफिर की बख्शिश हो सकती है। काफिर की ये बख्शिश हो सकती है कभी न कभी, अगर जो उसने तोबा कर ली तो बख्शिश हो जाएगी, लेकिन कैसा भी काफिर उसने तोबा कर ली और ईमान अबे जाहिल, तुझे यही नहीं बताया कि मुझे कहना क्या है, मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या बात कर रहा हूँ। अरे जो मैं कह रहा हूँ मुझे पता है, काफिर एक बार ईमान ला सकता है, लेकिन शैतान जो किस तरह के काफिर की बात कर रहा है, जो गैर मुस्लिम काफिर मुशरिक है उसकी बात कर रहा है, या मुसलमानों में रहकर जरूरियात दीन में से किसी बात का इनकार करके काफिर हुआ, या रसूल पाक की शान में तौहीन करके काफिर हुआ, कौन से काफिर की बात कर रहा है? सबकी टोटल काफिर, क्या जो वो ईमान में दाखिल हो गया तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। तुझे यही नहीं पता कौन कर बैठा तू, पहले कुछ पढ़ लिख तो ले, सऊदी अरब में जाके हराम के टुकड़े खा के क्या तू जो है दो चार पैसे कमाने लगा, बहुत बड़ा मुफ्ती बन गया। शैतान की माफी नहीं होगी इबलीस की, अबे इबलीस की औलाद जब से हुए वहाबी देवबंदी पैदा, तो शैतान ने खुश होकर कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया रे इबलीस की औलाद। तू मुझे ये बता कि काफिर की बख्शिश कहाँ हो सकती है, कहाँ लिखा है? सब जब ईमान लेकर तो मुझे काफिर की कैटेगरी बताना कि वो कौन सा काफिर है जिस काफिर की बख्शिश का वादा अल्लाह ताला ने किया। चल वो सबूत पेश करना, सबूत तो पेश करेंगे ना, दलील पेश करना तेरे जिम्मे है ना, जादू की दलील तो पेश करेगा ना, वो कभी ईमान नहीं लाएगा, जादू की दलील तो पेश करेगा ना, मैं उसके चेले। तो चल दादे की दलील पेश कर, मैं वही तो चाहता हूँ कि तू मुझे दलील दिखा दे। शैतान की दलील ये है कि अहमद रजा की हरामी, सब वो शैतान तू कलामी करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, मेरे बुजुर्गों को बुरा वाला कहेगा, तू इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। काफिर की औलाद खानी काफिर के नापाक पिल्ले, वही तो जमा हैदराबादी काफिर की नाजायज औलाद, शैतान के पिल्ले, जवाब नहीं दे सकते। तुम्हारी अम्मा ने कोई हलाली बच्चा था पैदा नहीं किया, आज तक की बात कर रहा हूँ, अभी तक की बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक की बात कर रहा हूँ, जो मेरे एहतराम का जवाब दे सके, मेरे पूछे हुए सवाल का जवाब दे सके, समझा दे वलदुज़्ज़िना हैदराबादी की औलाद। पहले ओ भाई औलादी करने के लिए, हराम खोला।